कपड़े की लाइन में आप एनी टाइम मार्जिन रख के भी काम करोगे तो भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत है कपड़े की लाइन में आज की डेट में भी। स्टेट का जो टेस्ट है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप पहले वहाँ पे सर्वे करिए, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन पे अपना सेटअप पूरा जमा सकते हो। बिजनेस में आप अगर सेटअप हो गया अच्छा तो अनलिमिटेड है, आप जितना भी कमाना चाहो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। नमस्कार व्यूअर्स मित्रों, फिर से आपका स्वागत है स्टाइल ऑफ वेब के अंदर। आज मैं ना तो कुछ कलेक्शन दिखाने वाला हूँ ना कुछ वेराइटी, क्योंकि आज मैं ओनली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल यूथ जनरेशन जो बहुत आगे की मतलब आगे चल रहे हैं, यूथ जो 25 से लेके 35 साल की तक की उम्र के लोग हैं, उसको क्या है अपॉर्चुनिटी बहुत है आजकल कपड़े की लाइन में, खास करे रेडीमेड कपड़े की लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। उस रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैंने आज तक सर्वे किया है तो यूथ जनरेशन आजकल की जो है 25 से लेके 35 तक, वो कैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उस रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मतलब जैसे कि 25 से लेके 35 की उम्र के लोग में जुनून रहता है बिजनेस को लेकर, खास कर एक कपड़े की लाइन ऐसी है तो कपड़े में कपड़े का बिजनेस आप देख सकते हो कि कपड़े की लाइन में आप एनी टाइम मार्जिन रख के भी काम करोगे तो भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत है कपड़े की लाइन में आज की डेट में भी। क्योंकि कपड़े खास कर रेडीमेड लाइन जो आजकल की यूथ जनरेशन जो यंग जनरेशन कुर्तीस है, थ्री पीस पैंट है, कुर्ती पैंट दुपट्टा उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है पहनना, क्या ताकि क्या ट्रेडिशनल वेयर में भी चलता है, नॉर्मल यूज़ के भी लिए चलता है, हर तरह का आइटम चलता है। तो खासकर यूथ लोग क्या करते हैं आजकल कि जैसे मैं मार्केट में क्या है कि उनको आजकल जो क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड पे आपको शॉपिंग करते हो कुछ तो आपको बेनिफिट बहुत सारा मिलता है, तो वो बेनिफिट आप इस कपड़े की लाइन में भी ज़रूर ले सकते हो। क्योंकि उसका रीज़न है 2 लाख, शायद 1-1.5-2 लाख तक की लिमिट आती है, तो 1.5-2 लाख में आप अपना ये कुर्तियों का बिजनेस स्टार्ट करके उसको आगे कैसे बढ़ाए, उसको आगे मतलब आगे बढ़ाना है तो कैसे क्या करें, उस बारे में सोचना चाहिए आजकल के यूथ को। क्योंकि यूथ यंग जनरेशन के पास सब है, माइंड है, सब है, और वो मार्केटिंग करके भी आप आगे अपना बिजनेस जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सब से आप अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हो कपड़े की लाइन में। कपड़े में भी बहुत सारे कपड़े आते हैं, रेडीमेड में भी बहुत सारे आते हैं, साड़ियों का भी साड़ी भी आती है, लहंगा भी आता है, बहुत सारे। पर उसमें से यूथ यंग जनरेशन को एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए उनको अपने एरिया में सर्वे करना पड़ेगा। पहले तो कपड़ा क्या है वो देखना पड़ेगा, कपड़ा कौन सा चल रहा है, हर स्टेट का जो टेस्ट है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप पहले वहाँ पे सर्वे करिए, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन पे अपना सेटअप पूरा जमा सकते हो। ताकि क्या है कि आजकल के युवा जो है जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपनी क्या है कि नौकरी में ऐसा रहता है कि जो नौकरियां रहती है ज़्यादातर 40-50 हज़ार मैक्सिमम महीने के जो पगार रहते हैं, पर बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप अगर सेटअप हो गया अच्छा तो अनलिमिटेड है, आप जितना भी कमाना चाहो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। पर बिजनेस को सेटअप करने के लिए पहले एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है कोई भी चीज़ का, और कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा पकड़ो कि एनी टाइम चले, ऐसा ना पकड़ो कि जो कपड़ा है तो कपड़ा चलने वाली चीज़ है। वो बोलते हैं ना कि आजकल सबको ये 3 चीज़ों पे ही बिजनेस चलता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ के बिना कोई अपना जीवन आगे गुजार नहीं सकता, ये 3 चीज़ तो चाहिए ही उसके जीवन के अंदर, और ये 3 चीज़ों पे ही सब बिजनेस टिके हुए हैं। एक कपड़ा आता है तो कपड़े कोई पहनना बंद नहीं कर देगा, क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज़ है, कपड़े में भी बहुत सारी वेराइटी आती है, सब कलेक्शन आता है, कैसे क्या है। आजकल जो कुर्तियों का ट्रेंड है, वेस्टर्न कुर्ती हो गया, स्ट्रेट कुर्ती हो गया, 3-पीस कॉन्सेप्ट के अंदर हो गया, तो वो कुर्ती का ट्रेंड एनी टाइम चलने वाला है, लॉन्ग टाइम चलने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी जैसे आप देख रहे हो कि साड़ी का ट्रेंड है,
पर धीरे धीरे ओकेजन में ही पहना जाता है साड़ी, जैसे कि फैंसी साड़ी हो गया, लूज साड़ी। बाकी आजकल की जनरेशन ज़्यादातर कुर्ती है, थ्री पीस सेट है, वेस्टर्न कुर्ती है, वो सब ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। शॉर्ट टॉप वगैरह हो गया, जीन्स हो गया, तो उसमें आजकल के यूथ, उसमें आप दिमाग लगा सकते हो उस टाइप की आइटम कैसे क्या है। तो उसका पूरा डिटेलिंग आपको इधर दिया जाएगा, एक बार सोचिए, पूरा नॉलेज लीजिए। यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन जो 25 से लेके 35 साल की उम्र तक है, उसके पास क्या है, जुनून रहता है बिजनेस करने का, नहीं मेरे को बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। तो यंग जनरेशन से ही पूरा, तो पीछे के साल जो आपके रहते हैं 35 के बाद, वो आराम से कट जाए, बिजनेस सेटअप करने में भी आसानी रहती है। जैसे यंग जनरेशन दौड़ सकते हैं उतना, पर 35 साल के ऊपर के लोग इतना नहीं दौड़ पाएंगे फिर, क्योंकि 35 के बाद धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। तो उस टाइप के जो कपड़े का बिजनेस है, वो भी ऐसा बिजनेस है कि एनी टाइम आप प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार सोचिए, आपके एरिया में पूरा सर्वे कीजिए कैसा क्या है। कपड़े की लाइन में भी बहुत सारी फैब्रिक की लाइन आती है, रेडीमेड साड़ी बहुत सारी लाइन आती है। तो उसमें सोचिए, अभी जो रनिंग चल रहा है ये कुर्ती वगैरह का बिजनेस, वो आप शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं, छोटा किया फिर बड़ा किया। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे आपको ऑटोमेटिकली माइंड में पूरा नॉलेज होता रहेगा कैसे क्या रहता है। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ये चैनल पे आप नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।